और अब बात कोरोना वायरस की, क्योंकि इसकी वैक्सीन को लेकर लगातार बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में कोविड 19 वैक्सीन के परीक्षण को पूरी दुनिया इस वक्त काफ़ी महत्वपूर्ण मान रही है। और इस बीच जो ट्रायल है वो लगातार चल रहा है। ब्रिटेन, अमेरिका और रूस समेत कई देशों की कई कंपनी दुनिया को कोरोना वायरस का एक समाधान मुहैया कराने की दौड़ में है। हैदराबाद में भारत बायोटेक भी इनमें से एक है जो कोवा वैक्सीन के विकास में जुटा है। भारत बायोटेक ने इसी महीने की शुरुआत में वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू कर दिया है। कोवैक्सीन भारत की स्वदेशी कोविड 19 वैक्सीन है, जिसे भारत बायोटेक की तरफ से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। भारत बायोटेक के दावे के मुताबिक कोविड 19 के खिलाफ कोवैक्सीन कम से कम 60% असरदार होगी, यह असर इससे भी ज़्यादा हो सकता है। आपको बताते चले कि कोवैक्सीन के स्टोरेज के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होगी और अभी भारत बायोटेक के पास 30 करोड़ खुराक के उत्पादन की क्षमता है, जिसे अगले साल तक बढ़ाकर 50 करोड़ किया जा सकता है। कंपनी ने वैक्सीन की कीमत का खुलासा अभी नहीं किया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।